भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, जो देवी पार्वती व महादेव के बड़े पुत्र हैं। आज का दिन भगवान कार्तिकेय को ही समर्पित है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में, और आज हम आपको बताएंगे स्कंद षष्ठी की महत्वता के बारे में। हिंदू पंचांग में स्कंद षष्ठी की महत्वता। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है, जिसका सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व माना गया है। पुराणों तथा अन्य पवित्र शास्त्रों के अनुसार आज का दिन भगवान कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने दैत्य ताड़कासुर का वध किया था व सृष्टि को दैत्य मुक्त किया था। भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए इस षष्ठी को चंपा षष्ठी भी कहती है, जिसका अत्यधिक उत्साह दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। महादेव तथा देवी पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं तथा जीवन में खुशहाली व सकारात्मकता का आगमन होता है। इसके साथ ही भक्तों को सुख एवं वैभव की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। आज के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, फिर साफ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां गंगा जल की कुछ बूंदें अर्पित कर घर का वातावरण शुद्ध करें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती एवं भगवान स्कंद की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, फिर उन्हें जल, मौसमी फल, फूल, मेवा, कलावा, दीपक, अक्षत, हल्दी, चंदन, दूध तथा गाय का घी आदि अर्पित करें और पूजा करें। अब भगवान कार्तिकेय की आरती करें तथा सायंकाल में भी भजन पूजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम जल्द लेकर आएंगे आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े कुछ और नए विषय। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।